अक्सर बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन आखिर कब से चालू करना चाहिए, क्या हम 11 12 के साथ प्रिपरेशन करें या उसके बाद प्रिपरेशन करें। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। करंटली मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो दो अटेम्प्ट्स होते हैं सीए फाउंडेशन के, एक होता है जून के अंदर और दूसरा होता है दिसंबर के अंदर। अब अगर आप 11 12 को अपीयर कर जाते हैं मई या अप्रैल में तो ऐसे केस में आप जून एग्जाम्स के लिए एलिजिबल बिल्कुल से हो सकते हैं। तो अगर आपने पहले से विश्वास बना के रखा है कि मुझे केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करना है तो ऐसे केस में आप 11 12 के साथ अपने प्रिपरेशंस कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से जून में एग्जाम्स देके आप अपने 6 मंथ्स को सेव कर सकते हैं। वही लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को फर्दर स्टडीज के लिए 11 12 के मार्क्स बहुत ज्यादा आवश्यक है, अच्छा स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे कोई ये नहीं है कि आप सीए करते हो तो आप 11 12 में स्कोर नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे 11 12 के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 11 12 के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे दिए, फिर 12th होने के बाद एग्जाम्स उसके लिए आप प्रिपरेशन के नवंबर में आप अटेंड देते हो। तो दोनों भी चीजें यहाँ पे आ सकती है दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आखिर में कौन सी स्ट्रीम को चूज करना है। राइट, होप सो आप सभी लोगों के लिए वीडियो यूजफुल हो। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो जरूर से इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।